नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ होली से पहले शनिवार को करें ये उपाय, दूर हो जाएगा आपका दुर्भाग्य। शनिवार शनि का दिन है, इस दिन शनि के दोषों से बचने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। शनि के क्रूर स्वभाव के कारण कुछ लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। यहाँ जानिए शनि के क्रूर स्वभाव से बचने के लिए रविवार 12 मार्च को होली से पहले शनिवार को कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके लिए तांबे के लोटे का उपयोग करें। लोटे में जल के साथ ही काले तिल भी डालें, इसके बाद यह जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और शिवजी जी की कृपा से धन की कमी दूर होती है। इन 10 नामों का जप करें। हर शनिवार शनि के इन 10 नामों का जप करने से शनि दोष दूर होते हैं और सफलता मिलती है। मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। कोड़स्थ, पिंगल, भ्रभु, कृष्ण, रो, द्रांतक, यम, सौरी, शनिश्चर, मंद, पीपल, लाश्रय, अपने सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। इस उपाय से शनि से शुभ फल मिलने लगते हैं। सुबह स्नान के बाद पीपल को जल चढ़ाएं और सात परिक्रमा करें। सूर्यास्त के समय किसी ऐसे पीपल के पास ज्योत जलाएं जो सुनसान स्थान पर हो, या किसी मंदिर में पीपल के पास भी ज्योत जला सकते हैं। शनिवार सुबह स्नान के बाद एक कटोरी में तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें, फिर तेल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। इस उपाय से शनि प्रसन्न होते हैं और भाग्य की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि देव को नीले फूल चढ़ाएं, पूजा करें। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जप रुद्राज की माला से कम 108 बार करें। ऐसा हर शनिवार को करने से साढ़े साथी और ढैया में भी लाभ मिलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बंदरों का गुड़ और चने खिलाना चाहिए। हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनि के दोषों का सामना नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।